तुमकी इस मौत तो हमारे आसपास भी नहीं आ सकती, क्या कहते हो? देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से गिरने के बाद भी कोई लड़का नहीं मरता। एक हिसाब से ठीक ही है। क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे जमाने में तो कॉलेज में हॉर्न मार के चलना पड़ता था। और जो पास नहीं हुए एग्जाम हॉल में जाकर के सेट हो गए। अरे जाने दो, हमारे सारे पुराने दोस्त अच्छे हैं ना। वो देखो आ रही है नई टीचर, उनसे पूछते हैं। ए रुकिए रुकिए, ये हमारी मिस है क्या? कैसी हो दीदी, इसी कॉलेज में पढ़ करके इसी कॉलेज में लेक्चरर हो गई, क्या बात है दीदी, बढ़िया है ना? क्या पवित्रा, ये अच्छा लगता है क्या? इतनी मेहनत करके पास होना भी कोई पास होना है क्या? परम मार डालूंगी। नहीं नहीं, अरे सुनो, सब पास हो जाएंगे तो हम फेल होने वालों के पास कौन बचेगा? धरती घूमना बंद हो जाएगी। कैसे समझाऊं, इस साल भी तुम लोग सब फेल ही हो जाना, कोई पास होने के बारे में सोचना भी मत। आज तक हमने मिलके जो कारनामे किए हैं, उन्हीं कारनामों की वजह से हम सब मिलकर MSc के एग्जाम में साल दर साल फेल होते जा रहे हैं। ऐसे ही इस साल भी परंपरा को कायम रखने की कसम खाते हैं। यार मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। वरना के सवार भी गुस्सा हो जाएंगी। अपने शुभ हाथों से उसे करो, जाओ। काम कर। पसीना? श्री राम के बाद अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो मैं हूँ। मैं क्या ऐसी हरकत कर सकता हूँ? वैसे पसीना, आदमी के शरीर को पकड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आई? चुप रहो। ऐसे झप्पी देकर किस देने के बाद तुम नॉर्मल कैसे रह सकती हो? I'm serious. सीरियस हो? अरे वो क्या होता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तो उस दिन भी रोना आ रहा था, आज भी आ रहा है, क्यों ये नहीं पता। ये लो रुमाल, इससे काम ना चले तो बेडशीट दूंगा। हर रोज दिन में कई कई बार अपने हाथ पैर धोना, शैम्पू चेंज कर लो, पेट भर कर खाना खाओ, दर्द हो तो ऐसे ऐसे करो, मोबाइल कम यूज करो, लव कम हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है, मेडिसिन बाद में बता दूंगा। क्या बोलती हो पसीना? हमें ठीक से सुनाई नहीं देता, इसकी कोई दवा है क्या? कुछ नहीं भाई। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? लड़कियों को समझना मुश्किल होता है, कुछ भी कहो तो चेहरा बिगाड़ कर चली जाती है। अगर कुछ मजाक किया तो पेट में मार के चली जाएगी, याद रखना। अरे तुम कैसे भी करो सब जीरो में आके खड़ा हो जाता है। एग्जाम में कुछ तो लिखो, फेल होने में पुण्य मिलेगा। हमारी बहुत बड़ी फिल्म आज रिलीज हो रही है, इसके बारे में दर्शक क्या बोलते हैं पूछते हैं, चलिए। अरे सर फिल्म देखने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ तो बोलिए सर। देखने से दिल भरता है, टाइम पास हो जाता है और थोड़ा पच 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 हो जाता है। थैंक यू मैडम, आप कुछ बोलिए। कमिन 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 प्लीज प्लीज विकी, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ, इसीलिए बात करता हूँ। जिसके पास जान एक हो उसके पास दिल दो हो सकते हैं। प्लीज अंडरवर्ल्ड क्या है ये तुम जानती हो? प्लीज विकी समझने की कोशिश करो। बहुत बड़ी चीज होती है प्रिया, तुम बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए आखिर? लड़की का दिल वापस कर दो, हम घर वापस चले जाएंगे। इधर देखना भाई, साथ में पत्ते लेकर के आया हूँ। बेटा ये सब नहीं खेलना है, नींद आ रही है, सो जाओ, गुड नाइट। अरे ध्यान नहीं जा रहा है क्या? मैं साथ में पत्ते लाया हूँ, ये ग्राउंड पत्ते खेलते हैं। मुझे कुछ करके दिखाना होगा। हाँ करो करो, करके दिखाओ, देखता हूँ। हाँ ठीक बोल रहा है, अगर वो ठीक से नहीं करता है तो किसी दूसरे को देख लो बेटी। भैया तुम्हारे लिए रोज लेकर आया हूँ, अपने दिल को इसमें रख कर तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो ना। अरे इसे गुलाब देने की औकात ही नहीं है, नालायक कहीं। अभी वो उस गुलाब को अपने बालों में लगाएगी और बारिश होगी, क्या बोलते हो तुम? फिक्स है, ऑलरेडी साउंड आ रहा है, वो देखो। कन्नड़ा फिल्म के दर्शकों सब लोग उठ जाओ, चलते हैं। अरे उठो उठो चलते हैं भाई, चलो 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 आ जाओ। अरे बारिश में होने वाला सॉन्ग बहुत अच्छा दिखेगा, देखो। अरे वो टीवी में भी आएगा, दूसरा कोई आइडिया नहीं है क्या? अरे आमिर खान के जैसा है, चलो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। दर्शकों आप कोई चिंता मत कीजिए, थिएटर में किसी ने बम रखा है, ये हम लोगों को भी पता नहीं था। कोई भी दंगा फसाद किए बिना आराम से बाहर निकल जाइए।
निकलो सब लोग बाहर। परम कहाँ है? शानवी, शानवी रुको, शानवी परम नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है सर। सर 12:22 हो गया सर। सर बम को स्कार्ट करने के लिए आधे घंटे लेट हो गया सर। अरे तुम जाओ पहले। बम का टाइम 12 का दिख रहा है। ओला ना जाओ। ठीक है सर। अमी मैं 1 घंटे में आऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी तुम कहाँ हो मनहूस? हम दर्शक हैं, टॉप में रहते हैं, अगर देखना है तो हम टीवी में आएंगे। देखो हेलो बरम, कहाँ हो तुम? अंदर बम है। क्या बम है? पिक्चर खत्म हो गई क्या? यहाँ मेरे साथ एक फ्रेंड भी था। मेरे साथ भी। तो फिर सब लोग कहाँ चले गए? किसी ने बताया यहाँ पर बम रखा है। क्या? हाँ। बम? जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। इसको बचाने का ख्याल आपको कैसे आया सर? कोटिनी के रहने वाले श्रीनिवास राव की बेटी जहाँ पर बम था उस जगह से भी बचकर निकल आई सही सलामत। अरे पागल लड़की, कौन सी फिल्म देखने गई थी? क्या हुआ, चली गई तो जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये सब क्या बकवास है? ऐसे आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं सच में मर जाऊंगी, बोल देती हूँ। मरने वाली है तू। दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर जयंत का बेटा परमात्मा किसी को बचाने के अलावा कुंफू कुश्ती इन सब क्षेत्र में कैप्टन भी रह चुका है, जैसा कि हमें अपडेट मिला है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो दीपा के साथ साथ संगीत के सुर को भी एक साथ बजाने में माहिर है। देखिए ये सारे पिक्चर्स। ओह, साथ में बैंड बाजा भी है। और जिन्होंने फोन करके अफवाह फैलाकर लोगों को डराया है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो मैं ऐसा फोन किया था, मैं नहीं, पूरे फक्र के साथ हम बोल रहे हैं। चाहे तो हमें बंद कर दो लेकिन इस तरह का सिनेमा नहीं चलने देंगे। परम ने जो किया है उसकी बहादुरी को देखकर कुछ लोगों ने फिल्म बनाने की भी रुचि दिखाई है। कुछ लोग इन दोनों को आदर्श प्रेमी हैं ऐसा कह रहे हैं। इस तरह ये घटना प्यार के मसले में बदल चुका है। हो गया ना? और अब क्या मैं करना क्या है? करूं? बोलो आप। मैं तुम्हारी माँ होती तो